आज हम ग्लाइकोलाइसिस में बैलेंस शीट देख रहे हैं। बैलेंस शीट का मतलब होता है कितना लगा और कितना मिला। तो ग्लाइकोलाइसिस में जैसा कि मैंने पहले बताया है, पहले दो जो फेजेज हैं इसके, स्टेप वन और स्टेप थ्री, जो कि रिस्पायरेटरी फेज में है, उसमें एक एक मॉलिक्यूल एटीपी खर्च होता है, जबकि स्टेप नंबर सेवन और स्टेप नंबर टेन में एक एक मॉलिक्यूल एटीपी हमें मिलता है। अब चूंकि एटीपी जो है, मतलब ये जो प्रोसेस है, ये तो दो बार होता है, एक थ्री पीजीएल के लिए और एक डैप के लिए, डिहाइड्रोक्सीसीटोन फॉस्फेट के लिए, इसलिए इसको टू से मल्टीप्लाई किया गया। और छठवां स्टेप में जहां थ्री ग्लिसरल डिहाइड फॉस्फेट से 1,3-20 PGA बनता है, वहां पर एक मॉलिक्यूल NADH प्रोड्यूस होता है। क्योंकि यह स्टेप भी दो बार होता है, इसलिए यहां भी दो से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर एक नेट हम देखने की कोशिश करें, तो हमको 2 ATP खर्च लगा, 4 ATP हमें मिला। ये 4 ATP जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहलाता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, इसमें क्या होता है कि हम एटीपी में फॉस्फेट सबस्ट्रेट को देते हैं और वापस सबस्ट्रेट से ही लेते हैं, इसीलिए उसे हम लोग सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। जबकि दो मॉलिक्यूल NADH प्लस प्रोटॉन का ही प्रोडक्शन होता है। यह है इसका बैलेंस शीट जो इसके लिए हमें पढ़ना होता है। अब जब आगे इसमें बढ़ते हैं, तो नेट गेन अगर हम कहें तो 2 ही ATP है, अंटिल कि ये एरोबिक रिस्पिरेशन में एंटर ना करे। अगर ये एरोबिक रिस्पिरेशन में एंटर करता है, तब फिर बात करने का अंदाज जो है वो थोड़ा बदलना पड़ता है। वो इस तरीके से बदलना पड़ता है कि जो NADH प्लस प्रोटॉन है, दो मॉलिक्यूल, ये जो NADH प्लस प्रोटॉन है, ये भी ऑक्सीडाइज होकर ATP जनरेट करता है। और अगर ये ऑक्सीडाइज होकर ATP जनरेट करता है, तो एक मॉलिक्यूल NADH से, NADH से लगभग 2.5 मॉलिक्यूल ATP, 2.5 ATP मिलता है, 2.5, जिसको साइंटिस्ट राउंड फिगर में 3 मान लेते हैं, 2.5। इसका मतलब है कि अगर दो मॉलिक्यूल है तो 5 ATP मिलेगा, करेक्ट। और जब ये 5 ATP मिलता है, तो इसमें से दो जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, वह यूज हो जाता है शटल रिएक्शन में, और इसीलिए इसका जो नेट गेन होता है वो 5 ATP ही होता है, और पुराने सिस्टम से इसे 6 ATP कहते थे। खैर, ये तो फॉस्फोरिलेशन में एक बार फिर से इसका हिसाब किताब ज्यादा बारीकी से देखेंगे। अब हम लोग को देखना होता है कि ये जो ग्लाइकोलिसिस ओवर हुआ, यह ग्लाइकोलिसिस किस प्रकार से रेगुलेशन को कंडक्ट करता है, और अगर ग्लाइकोलिसिस में सबस्ट्रेट बदलें तो क्या होगा। देखने वाली बात यह है कि गैलेक्टोज का सोर्स है, गैलेक्टोज अपना इस तरीके से काम करता है। मैनोज का भी सोर्स है, अगर तो मैनोज इस प्रकार से काम करता है। बस गैलेक्टोज में क्या है कि गैलेक्टोज के साथ एटीपी जुड़ा, तो गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट बनता है ना। फिर ये गैलेक्टोज 1 फॉस्फेट ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज होता है, और फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चेंज होता है, और तब ये ग्लाइकोलिसिस में एंटर करता है। ये इसका है। जबकि मैनोज का क्या है, मैनोज में भी एटीपी जुड़ता है, और यहाँ मैनोज 6 फॉस्फेट बनता है, और मैनोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, और तब ये EMP में इंटर करता है। अब अगर आप समझे कि अब अगर फ्रुक्टोज हो तो फिर क्या होगा, ठीक है, अगर फ्रुक्टोज होगा तो क्या होगा, तो हम लोग फ्रुक्टोज पर आ जाते हैं। थर्ड पॉइंट है, व्हेन सबस्ट्रेट इन EMP पाथवे इज फ्रुक्टोज,
फ्रुक्टोज। सबस्ट्रेट पाथवे में तो क्या होगा, फ्रुक्टोज जो है यह एटीपी से जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी बाहर निकल गया और फिर फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट जो है ये चेंज करता है किसमें, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में। तो फ्रुक्टोज 1-फॉस्फेट जो है या चाहे तो सीधे दो भाग में भी टूट सकता है, ठीक है ना। इसके पास एक उपाय होता है, ये दो भाग में टूट सकता है। और ये कैसे टूट सकता है, तो एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने में इंटर करेगा और बन जाएगा 3PGAL प्लस DAP। ये डायरेक्ट इस तरीके से प्रोसेस में इंटर कर जाता है और इसलिए यह एक बहुत यूनिक फीचर है कि फ्रुक्टोज जो है वो सीधे पे ऑफ प्रोसेस में इंटर करता है। हम लोग लिखते हैं कि फ्रुक्टोज कैन बी कैटाबोलाइज्ड डायरेक्टली इन पे ऑफ प्रोसेस, सीधे पे ऑफ प्रोसेस में इंटर कर सकता है। और इस प्रकार की चीजों को दिमाग में बिठाना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन्वॉल्व होता है। अब जो पहला एटीपी है, ओके, जो फर्स्ट प्रोसेस है उसमें तो फ्रुक्टोकाइनेज इसका होगा, है ना, इसका नाम होता है फ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम का नाम होता है। ये भी मैग्नीशियम आयन डिपेंडेंट होता है, ये यहाँ पर हम लिखते हैं इसे। जबकि जो दूसरा एंजाइम है वहां पर सिंपल एल्डोलेज आता है, एल्डोलेज, और इस प्रकार से यह प्रोसेस भी क्या होता है, कंडक्ट होता है। तो अगर तीनों सबस्ट्रेट की बात की जाए, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रुक्टोज में, तो अब इसको अगर हम एक समराइज करें इन घटनाओं को, तो हम क्या कहते हैं कि अगर फ्रुक्टोज की बात करें, अगर हम गैलेक्टोज की बात करें, ठीक है ना, तो गैलेक्टोज किस चीज में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में। अर्थात ये स्टेप 2 ऑनवर्ड जो है, स्टेप 2 ऑनवर्ड जाएगा स्टेप 10 तक, 10 एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन तक। जबकि अगर फ्रुक्टोज आवे, फ्रुक्टोज जो है वह सीधे स्टेप 6 से इंटर करेगा स्टेप 10 तक ग्लाइकोलाइसिस में। जबकि अगर मैनोज आवे, तो मैनोज जो है वह स्टेप, मैनोज चूंकि फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट बनता है इसलिए वह स्टेप 4 से इंटर करेगा। तो ये जो सब चीजें हैं ये आपको बहुत ही सावधानी से ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी अब अगर आपको बोले कि अगर सबस्ट्रेट गैलेक्टोज है तो नेट प्रोडक्ट क्या होगा, नेट प्रोडक्ट कितना एटीपी का होगा, हम लोग बोलेंगे नेट जो है 2 ATP हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस। अगर यहाँ पर मैनोज हो तो नेट जो है वह कितना एटीपी हो रहा है, यहाँ भी 2 ATP हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पर फ्रुक्टोज हो तो फ्रुक्टोज से कितना एटीपी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। फ्रुक्टोज में चूंकि एक ही एटीपी खर्च होता है फ्रुक्टोज को एक्टिवेट करने के लिए और इससे 4 ATP मिलता है, तो यहाँ पर नेट गेन होता है 3 ATP का, ठीक है। अभी कितने लोग ये बात समझ में आया है, कितने लोग नहीं समझ में आया है, यह डिपेंड करता है कि कितने लोग इस स्टेप को जो मैंने बगल में लिखा है उसको फॉलो करते हैं। ये मैनोज अगर फ्रुक्टोज जो है स्टेप 6 से एंटर किया है तो स्टेप 7 में एक ATP निकलता है, स्टेप 10 में एक ATP निकलता है, और ये 2 गुना निकलता है इसलिए यहाँ पर 4 ATP होता है, और उसमें से 1 ATP फ्रुक्टोज को एक्टिवेट करने में खर्च हो चुका होता है इसलिए नेट गेन यहाँ पर 3 ATP होता है। तो इन सब चीजों पर पूरा ध्यान देना है, पूरा फोकस करना है। अगले कदम पर हम लोग देखते हैं कि रेगुलेशंस कैसे होगा, कैसे ग्लाइकोलिसिस रेगुलेट होता है।
अगर ग्लाइकोलिसिस को रेगुलेट करने की बात करें, मैं इसको लिखकर ही आपको बताता हूं, तो ग्लाइकोलिसिस में तीन रेगुलेटरी एंजाइम्स हैं, थ्री रेगुलेटरी एंजाइम्स इन ईएमपी पाथवे। पहला एंजाइम का नाम है हेक्सो काइनेज, दूसरा एंजाइम का नाम है फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेज और तीसरा एंजाइम का नाम है पाइरूवेट काइनेज। ठीक है, एंजाइम है हेक्सोकाइनेज पहला है, दूसरा जो है वो है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज पीएफके, और तीसरा जो है वह है पाइरूवेट काइनेज। ये तीन ऐसे एंजाइम्स हैं जो यह डिसाइड करते हैं कि कितना रफ्तार में ग्लाइकोलिसिस होगा या नहीं होगा या क्या होगा। ठीक है, इन तीनों एंजाइम्स के बारे में अच्छे से पकड़ रखना बहुत जरूरी है। अब देखो, ग्लाइकोलिसिस के बारे में मैंने शुरू में भी बता रहा हूं कि ग्लाइकोलिसिस में कुछ बड़े यूनिक प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे 3PGAL, जैसे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, जैसे 3PGA, जैसे 2-फॉस्फोइनोल पाइरूवेट, द लास्ट वन इज पाइरूवेट। ये जितने पदार्थ हैं ग्लाइकोलिसिस के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स एंड एंड प्रोडक्ट, यहां से यहां तक का कैटेगरी क्या कहलाता है? इसे हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट्स ऑफ ईएमपी, और जो अंत में उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंड प्रोडक्ट। इन सब का कहीं ना कहीं और भी मीनिंगफुल यूज होता है, और भी इनका मीनिंगफुल यूज होता है। यदि और भी मीनिंगफुल यूज होता है, इसका मतलब ग्लाइकोलिसिस यहां पर सिर्फ एनर्जी से ही रेगुलेट होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल में देखिए, पाइरूवेट, पाइरूवेट का फेट क्या है? पता है पाइरूवेट का फेट कि अंडर एनाएरोबिक कंडीशन, पाइरूवेट एनारोबिक कंडीशन में चेंज कर जाता है इथेनॉल में और लैक्टेट, लैक्टेट फर्मेंटेशन और इथेनॉल फर्मेंटेशन। तो पहला ये फेट है। दूसरा फेट क्या है? अंडर एरोबिक कंडीशन, अगर एरोबिक कंडीशन की बात करें, यह चेंज हो जाता है एसिटाइल को एंजाइम ए में। ठीक है, तीसरा अंडर अमाइनो एसिड डेफिशिएंसी, अमाइनो एसिड की डेफिशिएंसी की बात हो तो यह चेंज हो जाता है एलानिन में। मतलब आप पाइरूवेट से क्या बना सकते हैं? एलानिन भी बना सकते हैं। कब? जब एलानिन की कमी सेल में नोटिस की गई हो, उस वक्त पाइरूवेट को कहा जाता है कि भाई पाइरूवेट तुम जो है एलानिन बनाओ, तो एलानिन भी इससे बन सकता है। तो इस प्रकार की चीजें जो है वह किसका फेट है? पाइरूवेट का फेट कहलाता है। तो इसके अलावा भी फेट है, लेकिन अभी ये तीन ऐसे फेट है जो आपको नोन, आप सभी इसको क्या करते हैं, जानते हैं। अगर पाइरूवेट एनारोबिक कंडीशन में जाएगा, प्लांट्स में या कुछ या बैक्टीरिया में इथेनॉल फर्मेंटेशन, एनिमल्स में और कुछ बैक्टीरिया में लैक्टेट फर्मेंटेशन, जबकि अगर एरोबिक जाता है तो क्रेब साइकिल में इंटर करने का जो चाबी है वह मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एसिटाइल कोएंजाइम ए। और अगर वो अमाइनो एसिड डिफिशियंसी से सफर कर रहा है, स्पेसिफिकली एलानिन से, वह एलानिन में
इंटर कर जाएगा। अब जब ये बातें होती हैं, इसमें जो पहली दो बातें हैं, पहला पहली और दूसरी, ये तो कहीं ना कहीं हम मान सकते हैं कि चलो एनर्जी मेटाबॉलिज्म से हो सकता है बात, लेकिन जो तीसरा है वह तो अमाइनो एसिड डिफिशियंसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अब इंटर हो रहा है चौथा, फोर्थ। फोर्थ क्या है? तो फोर्थ है कि फैट सिंथेसिस फ्रॉम सुगर। आजकल लोग कहते हैं ना कि ज्यादा मीठा मत खाओ मोटे हो जाओगे, ज्यादा मीठा मत खाओ मोटे हो जाओगे। तो कई बार लोगों को लगता होगा कि भाई मोटापा तो फैट के कारण होता है, ये चीनी खा के लोग क्यों मोटा हो जाएगा? क्योंकि सुगर से फैट का मेटाबॉलिज्म हो सकता है और होता है, हो सकता नहीं है, होता है। और इससे क्या होता है? इससे होता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड चेन में। फैटी एसिड चेन में कन्वर्ट होने का मतलब हो गया ये लॉन्ग चेन, मैं नीचे लिखता हूं, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, यह भी इससे बन जाता है। तो अब आप देखें कि ग्लाइकोलिस का जो पाथवे है वह सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मेटाबॉलिज्म से ही जुड़ा नहीं है, बल्कि वो फैट और अमाइनो एसिड्स मतलब प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से भी जुड़ा हुआ है। इस तरह के कंडीशन में आप अपने ही विचार करिए कि कई तरह के ऐसे रेगुलेटरी मॉड्यूलेटर्स या फैक्टर्स आ चुके हैं जो कि पाइरुवेट्स के पाइरुवेट काइनेज के काम को क्या कर सकता है, अफेक्ट करता है पाइरुवेट काइनेज। अब देखो मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, आप लोग सब लोग गौर से इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं एक सवाल रखता हूं कि द एनर्जी डिमांड ऑफ सेल इज लो, सेल में एनर्जी डिमांड लो है, बट द एक्शन ऑफ पाइरुवेट पाइरुवेट काइनेज है ना इज स्टिल हाई। व्हाई? देखिए क्वेश्चन को, कहता है कि द एनर्जी डिमांड ऑफ सेल इज लो, सेल को कम ही एनर्जी चाहिए अभी, बट द एक्शन ऑफ पाइरुवेट काइनेज इज स्टिल हाई। लेकिन पाइरुवेट काइनेज का काम जो है वो काफी तेज है। अब हम सब जानते हैं कि भाई ग्लाइकोलिसिस तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म से, हम लोग यही, और है भी सही भी है, मुख्य रूप से एनर्जी मेटाबॉलिज्म से ही जुड़ा हुआ माना जाता है। लेकिन यहां जो एक सवाल पैदा हुआ कि पाइरुवेट काइनेज को भी तो स्लो हो जाना चाहिए था क्योंकि एनर्जी डिमांड स्लो है, बट पाइरुवेट काइनेज यहां क्यों हाई हो रहा है? तो उस वक्त हम लोग चेक करते हैं तो पता चलता है कि सेल नीड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एलानिन, सो द सिंथेसिस ऑफ पाइरुवेट इज हाई एंड देयरफॉर पीके एक्शन इज ऑल्सो। साइंस है ना, साइंस में एकदम क्लियर कट रिलेशनशिप होता है, क्योंकि एलानिन बनाना है बहुत ज्यादा चाहिए एलानिन, तो पाइरुवेट भी बहुत ज्यादा बनेगा, जिसका नतीजा ये होगा कि एलानिन जो है पाइरुवेट काइनेज जो है वह भी ज्यादा बनेगा। अब आप अगर गौर करें तो पाइरुवेट काइनेज का स्ट्रक्चर जो है, पाइरुवेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो पाइरुवेट का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है, ये हो गया आपका पाइरुवेट का स्ट्रक्चर, एक अल्फा कीटो एसिड है, ये हो गया पाइरुवेट का स्ट्रक्चर। और इसमें जब NH2 ग्रुप जुड़ता है, जब इसमें NH2 जुड़ता है मतलब हम लोग NH3 जोड़ते हैं, तो एक इम्यूनोफॉर्म का हमें कंटेंट जो है मिलता है, ऐसे कहते हैं इसको, ठीक है, ये इम्यूनो तरह का मिलता है। और फिर इसमें NADH जो है वो अपना हाइड्रोजन
डोनेट करता है इसको, इसलिए इसको लोग कहते हैं रिडक्टिव एमिनेशन। और इसके कारण यह प्रोडक्ट कुछ इस तरह से दिखता है हमें, एच एक यहाँ एक हो गया, यहाँ पर एन एस टू हो गया और सी एस थ्री हो गया। और ये जो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये है पाइरूवेट का। और नीचे जो फाइनल प्रोडक्ट मिला वो क्या मिला? एलानिन का। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से एक संबंध जो है वो यहाँ स्थापित होकर हम लोगों को दिख रहा है कि एकदम एक स्पष्ट संबंध यहाँ पर है। अब इसी विषय में क्या यहाँ लिखा जाता है कि एलानिन जो है, एलानिन इज एन एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, ठीक है ना? ठीक है, एलानिन जो है वह एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है ना? और अगला स्टेटमेंट इसमें कहते हैं कि व्हेन इट इज फाउंड इन एडिक्वेट अमाउंट देन इट मे इनहिबिट मेट इन ही बिट पीके पाइरूवेट काइनेज। और मान लो कि सेल में जब यह पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, यह क्या करेगा? पाइरूवेट काइनेज को रोक सकता है। ठीक है कि भाई हो गया, अब एनर्जी भी नहीं चाहिए, एलानिन भी नहीं चाहिए, तो रुक जाइए, अब आगे काम करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से प्रोटीन काइनेज के लिए एलानिन भी एक तरह का इनहिबिटर बन सकता है यदि वो ज्यादा हो। अब प्रोटीन जो पाइरूवेट काइनेज है इसके एलोस्टेरिक इनहिबिटर्स जो हैं वो तो कौन कौन से हैं? तो पहला एटीपी, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए, और तीसरा लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, और चौथा एलानिन। इन सब में से कोई भी अगर एक्सेस अमाउंट में हो, ठीक है, यहां नीचे हम शर्त दे दे रहे हैं, व्हेन दे आर इन एक्सेस या एक्सेस अमाउंट, जब ये सभी एक्सेस अमाउंट में हो तो ये सभी क्या करेंगे? पाइरूवेट काइनेज को आकर रोक देंगे कि रुक जाओ भाई, अब काम मत करो। सो अब जरूरत नहीं है सेल में इन सब किसी भी चीजों की। अगर सोचिए कि ये पाइरूवेट काइनेज है और बहुत ज्यादा एटीपी जो है वह बन जाए तो वह इससे आके जुड़ जाएगा और जुड़ते ही पाइरूवेट काइनेज रुक जाएगा। अगर ढेर सारा स्टाइल को एंजाइम में बन गया जरूरत से ज्यादा, ये भी इससे जुड़ जाएगा, इसको रोक देगा। अगर लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनेगा वो भी इसको इनहिबिट कर देगा, या फिर एलानिन अगर बन जाता है ज्यादा जरूरत से ज्यादा वो भी इसको क्या कर सकता है? इनहिबिट कर सकता है। लेकिन यदि ये सभी कम हो, ठीक है, एटीपी एनर्जी के लिए है, स्टाइल कोएंजाइम फैट के लिए है, क्रेब्स साइकिल के लिए है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड फैट के लिए है, एलानिन जो है वह अमाइनो एसिड के लिए, इनमें से अगर कोई भी कम हो जाए तो फिर पाइरूवेट काइनेज का एक्शन जो है वो क्या होता है? एकदम कंटिन्यूअस चलना शुरू हो जाता है।